मैं मदन लाल, सर्कल सेक्रेटरी एचपीसी वर्कर यूनियन सिरसा। आज का ये जो प्रोग्राम है, आज एचपीसी वर्कर यूनियन की तरफ से एससी सिरसा के माध्यम से बिजली मंत्री के नाम अपनी मांग को लेकर ज्ञापन देने का प्रोग्राम है। यह प्रोग्राम एचपीसी वर्कर यूनियन की ओर से सब यूनिट स्तर से शुरू किया गया था। पहले सब यूनिट स्तर से ज्ञापन दिए गए, फिर यूनिट स्तर से दिए गए। इसके बाद 15 जून 2022 को पंचकुला के अंदर एसीएस पावर कार्यालय का घेराव किया गया। इसके बाद भी वहाँ हमारी राज्य कमेटी की ओर से चेतावनी दी गई थी कि अगर अभी निगम मैनेजमेंट नहीं जागी और जो कर्मचारियों की मांगे हैं, जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं, उनका हल नहीं किया गया तो 7/7/2022 को सभी एससीज के माध्यम से बिजली मंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। और इसके बाद भी बिजली मंत्री और हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया तो आने वाली 13 अगस्त 2022 को सिरसा के अंदर बिजली मंत्री कैंप कार्यालय का घेराव किया जाएगा। तो साथियों, क्योंकि जो कर्मचारियों की मुख्य मांगे हैं, मुख्य मांगों में जो हरियाणा सरकार की तरफ से कौशल रोजगार निगम बनाया गया है, यह रोजगार निगम बिल्कुल ही घटिया है। इसकी पॉलिसी बहुत घटिया है, क्योंकि बिजली विभाग एक खतरों का विभाग है। इसके अंदर लगभग 10-15 साल से कर्मचारी साथी आउटसोर्सिंग काम कर रहे हैं। उन साथियों को निकालने के लिए, उनका रोजगार छीनने के लिए हरियाणा सरकार ने एक कौशल रोजगार निगम को बनाया है। तो हमारा संगठन सरकार से मांग करता है कि इस कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए और जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको विभागीय रोल पर लेकर पक्का किया जाए ताकि वो समान काम समान वेतन हासिल कर सके। इसके साथ साथ जो नई पेंशन स्कीम है, हमारा संगठन यह चाहता है कि नई पेंशन स्कीम बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, क्योंकि ये कर्मचारी अपने 58 साल की उम्र तक किसी भी विभाग में अपनी सेवा देकर जब रिटायर होता है तो उसको पेंशन वसे रूप में मिलनी चाहिए। क्योंकि ये नेता, ये मंत्री, ये मात्र 1 या 2 दिन के लिए चाहे मंत्री बने चाहे एमएलए बने, इनको ताउम्र पेंशन मिलती है। अगर यहाँ तक भी नहीं, अगर ये मंत्री या एमएलए एमपी 1 नहीं 10 बार बन गया तो उसको 10-10 पेंशन मिलती है। ईटीएस न्यूज, खबरें लगातार, हम उठाते हैं आपकी आवाज, हम दिखाते हैं सच, हम आपकी भी आवाज बनेंगे, हम दिखाएंगे समाज की असली तस्वीर। अगर आपके आसपास कुछ बुरा हो रहा है, आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, आप परेशान हो, तो हमारे साथ जुड़िए, हम करेंगे आपकी आवाज को बुलंद, हम बनेंगे आपकी आवाज। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे नंबरों पर फोन या मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8168051151। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं